हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला रेलवे एग्जाम। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग। रीजनिंग की आज होने वाली है सातवीं क्लास और ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा है उसकी आज क्लास है तीसरी। तो उससे पहले आपको पता है जैसे कि आज दीपावली है तो आपको और आपके परिवार को हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। बढ़िया अच्छे से इंजॉय करें क्योंकि साल में एक ही बार आता है, लेकिन आपको ज़्यादा भी इंजॉय नहीं करना है। इस बात को देख के चलना है कि जैसे कि आपके अगर नज़दीकी पेपर हैं कोई या फिर अभी आपकी नौकरी नहीं लगी हुई है तो आप दीपावली को इतना एंजॉय मत करें। अगली दीपावली आएगी ना, उसको ऐसा कोशिश करें कि अगली दीपावली में आपके पास एक सरकारी जॉब हो या फिर आप जो चाहते हैं वो आपके पास हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं मर रहा है, सबका अपना अपना चल रहा है, तो आपको चीज़ें अपने लिए ही सब कुछ प्राप्त करनी है और मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपके सपने हैं तो आपको ही पूरा करना है। तो चाहे दीपावली हो, होली हो, त्यौहार हर साल आते रहते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो आपको इनमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो आपको पता है पहली क्लास अपनी ब्लड रिलेशन की हुई थी जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे बेसिक्स होते हैं, कैसे सवालों को लगाते हैं। उसमें कुछ सवाल भी किए थे। कल जो अपन ने क्लास की थी उसमें अपन ने पजल फॉर्म के सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए थे। अगर आपने वो दोनों क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके दोनों क्लासों का आनंद ले सकते हैं और चीज़ें वहाँ से नई नई सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं आपके ऋषभ और पता है आपको ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है अपन पढ़ रहे हैं शून्य बैच। शून्य बैच का मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ से कोई भी बच्चा आगे तैयारी अपनी प्रॉपर कर सकता है। मतलब कि अगर उसने एक भी बार तैयारी ना की हो और अभी वो नया नया आया है तो मतलब कि इस बैच से वो सब कुछ कंप्लीट ए टू जेड चीज़ें सीख सकता है। और आपको पता है ये शून्य बैच में क्या हो रहा है कि ये चारों क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है ना। तो चारों ही क्लासें आपकी प्रॉपर बे से चल रहे हैं और चारों टीचर आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपकी क्लास होती है मैथ्स की 3:30 बजे, जिसमें आपकी अनुराग सर मैथ पढ़ाते हैं और फिर आपकी ऋषभ सर पढ़ाते हैं 5:45 पर। जैसे आपका टाइम हो गया है तो मैं आ गया हूँ आपके पास। फिर है साइंस की क्लास, साइंस की क्लास होती है आपकी 7:00 बजे जो कि योगी सर लेते हैं। फिर लास्ट क्लास आपकी जो रात में होती है वो 8:30 बजे वो लेते हैं शशांक सर GS की, ठीक है ना। तो चारों ही क्लासें बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप चारों ही क्लासों का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो आज है ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज अपन पॉइंटिंग फॉर्म के कुछ सवाल करने वाले हैं। जैसे कि आपने पेपर में देखा होगा कि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे इनमें इशारा वाले सवाल भी बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, जैसे किसी फोटो को रख लेते हैं एक, है ना, जैसे कोई एक फ़ोटो रख लेते हैं तो उस फोटो की ओर इशारा करके कुछ बातें कहते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं कि ये फ़ोटो है, ठीक है, इस फोटो में कोई भी बना हुआ है, लड़का या फिर लड़की, कोई भी बना हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी हो सकता है। तो जैसे मान लो ये फिगर बना हुआ है तो इसमें दो लोग बातें करेंगे। जैसे मान लो अनिल है, अनिल किसी से बातें कर रहा है, अनिल मान लो किसी से कुछ कह रहा है कि ये लड़की है, तो वो ये कह रहा है ये लड़की पता कौन है, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तो सबसे पहले आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, सबसे पहले किसकी फोटो है, फोटो को ध्यान देना है, और दूसरी बात बोल कौन रहा है। इस फिगर में अनिल बोल रहा है ना, तो अनिल को यहाँ रख लो। अनिल कहेगा मेरे दादाजी, तो सबसे पहले इनके दादाजी बना लेना। पापा हो गए, पापा के पापा होते हैं दादाजी, तो अनिल के हो गए दादाजी। दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी, दादाजी के इकलौते बेटे कौन होंगे, अनिल के पापा, और इनकी भी इकलौती बेटी, इसका मतलब वो अनिल की फोटो कौन है, बहन है। ये जो फोटो है ना पिक, वो किसकी है, अनिल की बहन की है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको दी जाएंगी, आपको इन्हीं चीज़ों से निपटना है। तो इन चीज़ों को निपटने के लिए इनको कैसे आसान बना सकते हैं, तो मैं आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ। सवाल अच्छे क्या, बेसिक सवाल हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कठिन सवाल तो बनता नहीं है जैसा कि आपको सबको पता है। बस ये है कि कुछ चीज़ें बच्चों को कठिन लगती हैं, और ब्लड रिलेशन की ये टाइप के सवाल हैं जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, पॉइंटिंग फॉर्म में करा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको कोडेड फॉर्म वाले सवाल करा देंगे। तो बस इतनी सिंपल सी बात होती है। पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फोटो वोटो के बारे में, इसको बोलते हैं इशारा वाले सवाल। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोलते हैं इशारा, इशाराबाजी होती है इसमें, है ना। फोटो की ओर इशारा करेंगे, कहीं दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होंगे तो तीसरे व्यक्ति से कहेंगे कि भैया ये हमारे पापा के फूफा के लड़के हैं, तो इस टाइप की बातें होंगी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले सवाल को खुद से लगाने की कोशिश करें और वीडियो को पॉज करें और पढ़ें सवाल क्या कह रहा है।
तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश लिख दी है, और जो हिंदी में सवाल को करना चाहते हैं वो हिंदी मैंने लिख दी है। तो कह रहे हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है। तो सबसे पहले इस बात में नोटिस करो कि कहता कौन है, तो एक आदमी कह रहा है, तो हम एक फिगर बना लेंगे जिस पे लिख लेंगे आदमी। ए भी लिख सकते हो आप, हमने यहाँ पे आदमी लिख लिया, और आदमी है तो फिर ये क्या होगा, प्लस आदमी अपने दोस्त से कहता है। किससे कहता है ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ दो ही चीजें करती हैं कि किस व्यक्ति का फोटो है और कौन व्यक्ति बोल रहा है, बस इन दोनों को आपको ध्यान से रखना है, ठीक है ना। दोस्त से कहता है वह मेरे पिता, तो अब ये अपने पिता की बात कर रहे हैं, तो वह मेरे पिता, तो इनके एक पिता बना लो, जो कहता जाए वही करते जाओ। मैंने कुछ बच्चों को देखा है वो जल्दी से मन में ही लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप इतना रिस्क मत लीजिए कि मतलब मन में लगाने की कोशिश करें, अगर बाय द वे आंसर गलत आ गया तो आपको नंबर मिलने के अलावा नंबर आपके कट जाएंगे। तो आप ये चीज़ों को समझा करो, थोड़े मैच्योर बनो, ठीक है ना। हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा, कभी भी नंबर स्कोर अच्छे करना है ना, तो आपको गहराई पता होनी चाहिए कोई भी सवाल की, ये कौन सा सवाल कैसे लगाना है हमको। वह मेरे पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है, वह मेरे पिता की पत्नी, तो पत्नी बना ली। इसको हम सीधे मम्मी भी कह सकते थे, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, इनके इकलौते बेटे यही आदमी होगा, इकलौते बेटे। वह मेरे पिता, तो बोलने वाले के पिता की पत्नी, वो भी बना ली। के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा यही आदमी तो होगा, इसकी बेटी, तो इसकी बेटी तो ये होगी, हमें पता है कि बेटा और बेटी नीचे लिखते हैं, तो ये हो गई बेटी। ये है वो पिक जिसके बारे में बात हो रही है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ना, तो ये वाली वही तस्वीर है। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये आदमी की ये कौन है, तो आप कहेंगे सर ये फोटो है ना, तो हमसे यही पूछा है, लड़की उस आदमी से, तो जिसके साथ से लिखा होता उसके बारे में तो नहीं बताते ना, लड़की कैसे संबंधित है उस आदमी से, तो लड़की उस आदमी की बिटिया है, डॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसी सेशन में अपन लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, लगाने की कोशिश करें, मैं एक बार रुक जाता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज कर सकें, है ना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। कह रहे हैं अनिल ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। तो सबसे पहले आप ये देखो इसमें बोल कौन रहा है, अनिल। तो सबसे पहले आप एक डब्बा बना लो, इसमें लिख दो अनिल, ठीक है, अनिल बोल रहे हैं ये बात, वह मेरे दादाजी, तो अनिल के बना लो पापा के पापा, ये हो गए अनिल के दादाजी। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी के इकलौते बेटे कौन होंगे, अनिल के पापा, दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, ये बिल्कुल वही सवाल हो गया है ना कि बेटी है, तो अब आप ध्यान से देखो ये कौन हो गया, ये अनिल की बहन हो गई, ये है एक फोटो, तो ये इधर पे क्या हो गया बहन, पिछले वाले सवाल में आंसर क्या था पुत्री, और इसमें क्या है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो वो पिक लड़की जो है ना वो बहन है। तो हमसे पूछा है अनिल तस्वीर में लड़की से, तो लड़की के बारे में तो नहीं बताना ना, अनिल कौन है इस बात की जानकारी देनी है, तो अनिल इस पिक के क्या है भैया है, ब्रदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, जबकि अपन ध्यान से देखें पिछले सवाल का आंसर क्या था, डॉटर, ये पुत्री थी, है ना। तो सबसे पहले इन सवालों में आपको यही ध्यान देना होता है कि बताना किसके बारे में, इसमें अनिल के बारे में बताना था ना कि इस फोटो के बारे में, समझ रहे हो ना, तस्वीर में अनिल, तस्वीर में लड़की से कैसे संबंधित, तो आपको अनिल की जानकारी देनी थी, बस आपको इतना इतनी सी बात करनी थी। आगे चलते हैं अगले सवाल में, अब इस सवाल को खुद से लगाने की कोशिश करें, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो आप सबसे पहले देखो इशारा किसकी ओर हो रहा है, एक लड़के की ओर इशारा हो रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, तो सबसे पहले आप बीना को बना लो, तो सबसे पहले हमने बीना को बना लिया, ये लिख दी मैंने बीना लिख दी मैंने, ठीक है, बीना ने कहा, तो बीना बोल रही है कि वह मेरे दादाजी का बेटा है, तो बीना बोल रही है क्या कि वह मेरे दादा, तो बीना के दादा बना लो पहले, वह मेरे पापा के पापा मतलब दादा हो गए, वह मेरे दादाजी का बेटा है, दादाजी ये है हमारे, मतलब हमारे नहीं बीना के, ये दादाजी हो गए, दादाजी का बेटा की बात हो रही है, दादाजी का इकलौता बेटा होता तो वो बीना के पापा ही हो जाते, लेकिन बेटा का है, तो अब हम यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कह सकते कि उसके पिता की बात हो रही है या पिता का कोई भैया है उसकी बात हो रही है। देखो बीना के दादा के बेटे तो ये भी हैं, बेटे ये भी हैं, तो अगर ये बेटे की बात हो रही है तो बीना के क्या हो जाएंगे फादर, अगर ये बेटे की बात हो रही है तो बीना के क्या हो जाएंगे अंकल, तो हम इस बात में ये कह सकते हैं क्या फादर होंगे, नहीं अंकल भी हो सकते हैं,
तो क्या हम ये श्योर कह सकते हैं कि अंकल हैं? तो ये भी नहीं कह सकते हम, ब्रदर की तो कोई बात ही नहीं है। तो अब आप ये देखो, आइदर ऑप्शन ए सही है या फिर बी, या तो आपका ए आंसर सही है या फिर आंसर आपका बी सही है, मतलब कि या तो फिर आंसर होगा फादर या फिर आंसर होगा अंकल। तो बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, बस इतने आसान होते हैं ये सवाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, इस सवाल को खुद से लगाने की कोशिश जरूर करें। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, तो रीना परिचय दे रही है मोनिका का, मतलब कि रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, तो सबसे पहले जो बोल रहा है उसको लिख लिया करो, यहाँ पे लिख लो मोनिका, ठीक है। मोनिका, मोनिका ने कहा वह मेरे पिता, तो ठीक है मोनिका के बना लो पिता, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी तो मोनिका ही होंगी, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी, तो सबसे पहले आप ये ध्यान से देखो बोल कौन रहा था, तो बोल मोनिका रही थी। मोनिका ने कहा वह मेरे पिता, तो मोनिका कह रही है वह मेरे पिता, ठीक है, की इकलौती बेटी, ठीक है, की इकलौती बेटी है कौन, रीना। रीना का परिचय हो रहा था ना, तो उसे कहा गया कि रीना भैया कौन है, तो वो ये बता रही रीना पता कौन है, रीना मेरे पापा की इकलौती बेटी है। तो देखो अब सवाल में पूछापन से क्या है, तो पूछा ये है मोनिका रीना से कैसे संबंधित है, मतलब मोनिका रीना की कौन है। तो अब आप ये देखो, मोनिका जो है ना वो रीना की क्या लगती है, रीना की मम्मी लगती है, मदर। तो देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माँ लगती हैं। देखो मोनिका जो है ना वो रीना की मम्मी ही तो है, रीना के ऊपर आ रही हैं, तो इतनी सिंपल सी बात है, है ना। तो आप जैसे देखोगे कि मतलब कि इतने कम समय में इतने सारे सवाल हो जाएंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और प्रॉपर वे में आपको समझना है, और मेन चीज़ ये है कि रिलेशन किसका बताना है, ये लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है। आगे हमसे कह रहे हैं केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, तो अब आप ध्यान से देखेंगे एक बात, क्या नम्रता बोल रही है, तो एन बना लेते हैं, नम्रता ने कहा, तो नम्रता ने क्या कहा ध्यान सुनना, वह मेरे पिता के, ठीक है, नम्रता कह रही है वह मेरे पिता के, तो नम्रता के पिता बना लिए, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, नम्रता तो बेटा नहीं हो सकता कि इकलौते बेटे, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, तो ये है वो व्यक्ति कौन, केतन। अब पता चला केतन कौन है, नम्रता के पापा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा, इकलौते बेटे का बेटा, तो केतन की माँ, तो केतन की माँ कौन होगी, जो केतन के पापा से शादी करेंगी, ये है केतन की माँ। केतन की माँ नम्रता से किस प्रकार संबंधित है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो है ना केतन की माँ, ये नम्रता से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना ये नम्रता की कौन है। तो अब आप देखो, नम्रता के भैया की पत्नी कौन होती है, भाभी। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, इधर पे मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या होता है, भाभी, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ननद या फिर साली। कल शायद मैंने साला बोल दिया, तो उसको करेक्ट कर लेना, साली होता है। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, भाभी, इधर पे तो ये आंसर अपना करेक्ट हो गया। बस इतने सिंपल सी चीज़ होती है, इतनी आसान होती है, बस आपको घबराना नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, विजय क्या कहता है, इसको ध्यान सुनते हैं। विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो अब आप ध्यान से देखो, आनंद सबसे पहले आनंद को बना लो, आनंद की माँ, हाँ अब देखो इसमें दोनों फिगर को कनेक्ट करना पड़ेगा, आनंद की माँ, तो इधर पे बात खत्म हो गई है, आनंद की माँ। फिर कह रहे हैं मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ, मेरी किसके लिए आता है, जो व्यक्ति बोलता है, तो बोल यहाँ पे विजय रहा है। तो एक फिगर और बना लो विजय का, तो विजय की माँ, कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो कह रहा है मेरी माँ, इसका मतलब क्या है, वो बोलने वाले की माँ, और बोल यहाँ पे विजय रहा है, तो विजय की माँ। आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मतलब अब आप ध्यान से देखो, बोलने वाला है विजय, विजय की माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, विजय की कोई बहन। इसकी माँ पता कौन है, आनंद की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब कि अब आप ध्यान से देखो, आनंद की बात कहाँ खत्म हुई थी, आनंद की माँ, फिर वो अपनी बात करने लगा, मेरी माँ की इकलौती बेटी, यहाँ पे बात खत्म हुई, तो आनंद की माँ इस पे बात खत्म हो गई, तो यहाँ पॉइंट रख लो, और फिर विजय की माँ की इकलौती बेटी यहाँ पे पॉइंट रख लो, है ना, ये पॉइंट नहीं था, इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने दो, आनंद की माँ की इकलौती बेटी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही व्यक्ति को दर्शाता है।
इस पॉइंट के नीचे एक फिगर बनाना है जिसका नाम है ए, और ए का मतलब यहाँ पे क्या है, आनंद। ठीक, अब देख लो हमसे क्या पूछ रहे हैं, आनंद विजय से कैसे संबंधित है। तो आनंद देखो भैया, विजय का क्या है, विजय की बहन का लड़का, और विजय की बहन का लड़का विजय की हो चाहे जिसकी बहन का लड़का कौन होता है, भांजा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब भांजा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बोलो यहां तक चीजों में कोई दुख हो, समस्या हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपकी एक एक कमेंट को पढ़ता हूं तो आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्या है, एक पुरुष का, देखो पीडीएफ मिलेगी तो इसका ये रिलेशन बताना था। ठीक है, आगे क्या है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पुरुष का परिचय हो रहा हो, महिला बोल रही है, तो महिला बोल रही है तो फिर हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं जहाँ पे लिख लेते हैं महिला, और यहाँ पे लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये बोल रही है, महिला है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो जो व्यक्ति बोलता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, कह रहे उसकी पत्नी। तो सबसे पहले पुरुष की ओर इशारा हो रहा था ना, तो यहाँ पे मान लो पी फॉर पुरुष, पुरुष कह रहे उसकी पत्नी, मतलब पुरुष की कोई पत्नी है। ठीक है, पुरुष की पत्नी, उसकी पत्नी, तो बना लिया हमने इस पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी, उसकी पत्नी। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई इधर तक। फिर कह रहे मेरी माँ की इकलौती बेटी है, और बोलने वाली कौन है, महिला। तो ये बोल रही है महिला, इधर पे इसकी बात खत्म हो गई, पुरुष की पत्नी यहाँ तक खत्म हो गया। फिर वो जो बोलने वाली है वो अपने ऊपर बात ले गई, बोलने वाली कौन है, महिला। वो ये कह रही है, बोलने वाली महिला, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब मेरी माँ मतलब महिला की माँ, और महिला की माँ की इकलौती बेटी वो खुद ही महिला होगी, तो इस बात का ये मतलब है कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष की पत्नी बात खत्म हो गई, और फिर इस महिला की मम्मी की इकलौती बेटी यहाँ भी बात खत्म हो गई, तो फिर ये दोनों फिगर एक ही व्यक्ति के हैं, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। तो अब आप देखो इस फिगर की शादी वो पुरुष से हुई है, तो यहाँ पे बना दो वो पुरुष, तो मतलब कि इन दोनों फिगर को मैंने कंबाइंड कर दिया, अब इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, हटा दिया मैंने। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला ये है, महिला क्या बोल रही है, उस आदमी की पत्नी, मतलब उस पुरुष की पत्नी, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बात तो सही है ना एकदम। तो देखो हमसे क्या पूछा है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला पुरुष की कौन है, तो अब आप देखो महिला जो है ना वो पुरुष की धर्म पत्नी है, वाइफ। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, नहीं आ रही है तो फिर आप वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 13 सवाल मैंने लिए हैं, तो जल्दी जल्दी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, तो अब आप ये बताओ कि नाम से आप ये बता सकते हो माला या काला में महिला कौन है और पुरुष कौन है। वैसे हम जनरल सेंस में बता सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम नाम से डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन क्या है। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो काला, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है उसका नाम लिख देते हैं काला। काला कह रही है, काला कह रहा जो भी है, वह मेरे भाई, तो सबसे पहले इनका भाई बना लो, वह मेरे भाई। ठीक है, काला का कोई एक भाई है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन। तो अब हमें ये पता नहीं है इसके भाई की इकलौती बहन ये खुद है या फिर कोई और है, तो चलो हम कोई और को बना लेते हैं इकलौती बहन। ठीक है, मान लो ये भैया हैं ये दोनों, इनकी इकलौती बहन ये है, इकलौती बहन की बेटी है, तो ये वो बेटी है कौन, माला। यहां पे हमें नाम से काला का समझ में नहीं आ रहा लड़की है कि लड़का है, लेकिन माला तो उसने कहा है ना, माला की ओर तो इशारा ही हो रहा था, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है। अब आप ऑप्शन में निगाह डालो थोड़ा, वो ये पूछ रहा है माला का काला से क्या संबंध है, तो अब आप ये देखो माला का काला से क्या संबंध है, माला कौन है काला की, तो आप देखो काला की बहन की बिटिया, और बहन की बिटिया कौन हो, भांजी। तो क्या ऑप्शन में आपको कहीं भांजी दिख रहा है, इसका मतलब ये जो हमने फिगर बनाया वो थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा गलत क्या है, अब आपको ये करना है यहाँ पे कि काला के भैया की इकलौती बहन वो काला ही है। ठीक है, क्योंकि काला यहाँ पे जेंडर तो पता नहीं था, तो काला के भैया की इकलौती बहन खुद काला है, और फिर काला के मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, तो वो काला की बेटी है एक्चुअली माला, बात समझ रहे हो। तो अब देखो हमसे पूछा गया है माला का काला से क्या संबंध है, तो ये माला कौन है काला की, तो आप कहेंगे सर माला जो है ना वो काला की बेटी है, और ऑप्शन में आपको अब बेटी मिल जाएगा। तो देख रहे हो कभी कभी जो आंसर होता है ना वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना पड़ता है,
जैसे पिछले वाले को फिगर को बना लेते तो फिर हमें भांजी ऑप्शन में मिलता ही नहीं, तो फिर हमें ये वाला फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें आंसर क्या मिल रहा है, बेटी। ठीक है ना, तो आशा करते हैं अभी तक के 8 सवाल आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को और कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक तस्वीर की ओर देखकर एक व्यक्ति ने कहा, तो एक तस्वीर की ओर देखा जा रहा है और एक व्यक्ति कह रहा है क्या, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो एक तस्वीर की ओर देखते हुए व्यक्ति कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। सबसे पहले एक मैन को बना लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैन। इनका कोई भाई बहन नहीं होगा तो हमने ये बात इनकी मान ली, कह रहे हैं मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो हमने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस आदमी का पिता, किसी और एक आदमी की बात हो रही है जो तस्वीर में है, तो तस्वीर बना लेते हैं हम एक पिक, इस आदमी का पिता, तो हमने इस फोटो के पिता बना लिए, इस आदमी का पिता। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर वो अपने ऊपर ले आया, फिर वो क्या कह रहा है मेरे पिता का बेटा है, इस आदमी के जो पापा है ना ये, वो पता कौन है, वो मेरे मतलब बोलने वाले के पिता का बेटा है। बात समझ रहे हो, और यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके पिता का बेटा कोई इसका भाई भी हो सकता, लेकिन उसने पहले ही कह दिया हमारे कोई भैया बहन नहीं है, तो कुछ नहीं करना, इस आदमी के पिता का बेटा है। तो ये वाला जो बिंदु है ना वो यही है, और ये जो फोटो है ना वो इसकी है, इसके लड़के की। देखो फिर से हम बात को प्रूव कर लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब कि उस व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, मतलब उस फोटो के पिता, ठीक है यहाँ पे प्लस लगा लो, उस फोटो के पिता, उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, उस आदमी का पिता, इस आदमी का जो पिता है ना वो मेरे पिता का बेटा है, और इनके कोई भैया बहन तो थे नहीं। तो अब देख लो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो अब से पूछ रहा है कि वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा था, मतलब कि वो व्यक्ति जो है ना वो किसकी फोटो देख रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये व्यक्ति अपने लड़के की फोटो देख रहा है ना, तो आंसर कहाँ है, अपने बेटे की, ये ऑप्शन नंबर ए। वो कुछ नहीं, अपने बेटे की फोटो देख के ये कह रहा है कि इस फोटो के पिता मेरे पिता के बेटा है और मेरे कोई भैया बहन नहीं है, इसका मतलब वो अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। ये जो व्यक्ति है ना वो अपने पिता का इकलौता बेटा ही है, इकलौती संतान भी है। आगे चलते हैं। मैथ्यू ने अपने दोस्त शम की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो सबसे पहले कह कौन रहा है, मैथ्यू, तो उस बात को ध्यान से देखो, और फिर वो मैथ्यू ये कह रही है उसके पिता, फिर बात खत्म हो गई, फिर वो अपने ऊपर ले आई मेरी माँ, ठीक है, उसके पिता मतलब कि शम के पिता, सम साम जो भी है, शम के पिता, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई, यहाँ पे वो रुक गई, फिर वो अपने बारे में चर्चा करने लगी, कह रही मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, मतलब मैथ्यू की माँ के इकलौते बेटे, और मैथ्यू तो एक लड़की है ना, मैथ्यू की माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, मैथ्यू भी हो सकते हैं वो, तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, मैथ्यू की माँ के इकलौते बेटे और उस आदमी का पिता। तो इस बिंदु के नीचे एक व्यक्ति आना है एस, जिसका नाम है शम। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, वह तस्वीर किसकी है, तब अब ध्यान से देखो, तस्वीर जो है ना वो कौन किन की थी, मैथ्यू ने अपने दोस्त सम की तस्वीर, सम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा सम एक, मैथ्यू ने अपने दोस्त को एक सम की तस्वीर, क्या था, मैथ्यू ने अपने दोस्त सम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा तस्वीर ये वाली है ना, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये सम नहीं है, सम से तो वो बोल रही है, ये वो फोटो है, ठीक है ना, ये वो फोटो है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस फोटो को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, देखो ध्यान से ये है वो फोटो। तब आप हमें ये बताओ, सम से कह रही, जिससे कह रही उससे कोई मतलब नहीं, तस्वीर किसकी है, तस्वीर है भैया के बेटे की, तो मतलब कि क्या कह सकते हैं हम, फोटो वो महिला की है हमें लगता, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, तो वो हो सकता है अपनी किसकी फोटो देख रही है, तो हमें पता है वह तस्वीर किसकी है, फोटोग्राफ में तस्वीर किसकी है, तो उसकी बेटी की है तस्वीर, या फिर ये हो सकता है। देखो दो केस यहाँ पे पॉसिबल हैं, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। अब हमें ये लग रहा है कि इसके भैया की बेटी, भैया की बेटी कौन होती, भांजी, भांजी हमें ऑप्शन में दिख तो रहा है, मैथ्यू की भतीजी, सही है, भतीजी या भांजी यहाँ पे एक ही होता है, मतलब है ना, भतीजी को हम भांजी भी बोल सकते हैं, भांजी,
सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो सबसे पहले अरुण को आप ध्यान से देख लो, बना लो अरुण को। अरुण ने कहा, अरुण कह रहा है यह लड़की, कोई एक लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण की माँ का एक कोई पोता है, पोता कौन होता है, लड़के का लड़का। वह लड़की अरुण की माँ के पोते की पत्नी है, ये है वो लड़की, ठीक है। लड़की, वो लड़की कौन है, अरुण की माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, इसकी जानकारी आपको देनी है। अरुण जो है ना, अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंध, उस लड़की के ससुर हैं, है ना। तो ससुर ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। तो बस इतने आसान है, बस चीजें आपको क्या है, फिगर बनाना आना चाहिए, बाकी कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक दो सवाल और बचे हैं, बस खत्म। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है, बीना क्या कह रही है, वह मेरे दादाजी। तो बीना के बना लो पापा, के पापा। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब बीना का भैया होगा वो, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, वह लड़का बीना से कैसे संबंधित। तो आपको इतनी बात अब तो समझ में आ गई होगी, ये है वही लड़का, है ना। तो बीना के दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, तो वह लड़का बीना का भाई है। देख लो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी ना। अब तो लास्ट सवाल पे अपन आने वाले हैं, देखो आगे। कह रहे आशा को मेहमानों के लिए प्रस्तुत करते हुए भास्कर ने कहा, ठीक है। भास्कर क्या कह रहा है, उसके पिता आशा को मेहमानों के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, मतलब आशा का इंट्रोडक्शन हो रहा है। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब आशा के पिता, बना लो आशा, आशा के पिता, आशा के पिता, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बोल कौन रहा है, भास्कर, भास्कर बोल रहा है। देख फिगर बना लो जिसमें लिख लो बी, बोलने वाले के मेरे पिता के इकलौते, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र खुद भास्कर होंगे, है ना। तो आपको पता करना है आशा के पिता, उसके पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। तो इस व्यक्ति की एक बेटी है, कौन, आशा। तो यहाँ पे लिख देना है आशा, बस इतनी सिंपल सी बात है। तो हमसे पूछ रहे आशा भास्कर से कैसे संबंधित है। तो अब देखो आशा जो है ना, वो भास्कर की बिटिया है, बेटी, डॉटर। अब आशा करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको मजा आया होगा। ये 13 सवाल अपन ने किए हैं ना, एक और है सवाल, इसको कर लेते हैं, बस खत्म करते हैं। बगल में बैठी हुई एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, बगल में एक महिला बैठी हुई अमित कह रहा है। तो अमित क्या कह रहा है, ध्यान सुनते हैं उसकी बात को, क्योंकि बहुत जरूरी है बातों को सुनना। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह पता कौन है, वह मेरे पत्नी, ये कौन बोल रहा है, ये सिर्फ वही बोल रहा है अमित। वह मेरी पत्नी, मतलब अमित तो पति हो गए उसके, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो वो लड़की ये है जिसकी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहा है अमित, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो हमें ये बताना है महिला अमित से कैसे संबंधित है। तो आप ये ध्यान से देखो, महिला जो है ना वो अमित की बहन ही तो है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा कि अपन ने पता है पॉइंटिंग फॉर्म का पूरा टाइप कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने लगभग 14 सवाल कर लिए हैं। 14 सवाल आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही मतलब सफिशियंट है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस आपको करना क्या है कि शून्य बैच जैसा अपना चल रहा है, कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे बेस से चल रहा है, प्रॉपर चारों ही क्लासें हो रही हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की और साइंस की और अपनी जीएस की, चारों ही क्लासें बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। तो
तो आप, हमें आशा करते हैं कि चारों क्लासों का आप आनंद ले रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आ गई है, आज दिवाली है, आप सभी लोग पटाखे डाके खोल फोड़ने वाले हैं। तो हमने और हमने हमारी टीम ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाए ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके, ठीक है ना। तो कुछ बेहतरीन से डिस्काउंट यहाँ पे रखे गए हैं। और दीपावली भाई, सभी को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फिर से आपको और हमारे परिवार को, हम आपको और आपके परिवार को और हमारे परिवार को भी क्या है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट के लिए कोड भी दिए गए हैं, कूपन कोड जो आप लगा सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला कोड है दीप10, तो इसको वगैरह यूज़ करके आप डिस्काउंट मैक्सिमम ले सकते हैं। दिवाली10 का कोड है ये। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9389-880-746। इस नंबर पे कॉल करके आपको कोई भी चीज़ की समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आगे देख लेते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 5:45 पर। तब तक अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग।